Hello students, welcome to my channel Learner's Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, आज मैं आप लोगों के साथ motivation की theory लेकर आई हूँ जो काफ़ी important है for the exam point of view. And जो भी बच्चे plus two में है या फिर business studies का subject है, MCOM, BCOM, BBA, सबको ये जो basically theory है ये कहीं ना कहीं exam में किसी ना किसी chapter या syllabus में होती है. So सबके लिए important है. And इस video को last तक देखना so that कि ये question आप कभी नहीं भूलोगे अगर exam में आ गया. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मास्लो नीड हायरार्की की थ्योरी, मास्लो नीड हायरार्की की थ्योरी जो है वो हमारे को अब्राहम मास्लो ने दी थी और 1943 में दी थी उन्होंने. ये जो थ्योरी है बेसिकली बताया था इसके अंदर कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जैसे जैसे नीड्स फुलफिल होंगी वैसे ही वो मोटिवेटेड, उतना ही मोटिवेटेड वो फील करेगा. सो उतना ही वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा जैसे जैसे उसका एक हायरार्की में जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी. सो उन्होंने एक हायरार्की बताया था, दैट इज़ 5 पॉइंट्स हैं इस हायरार्की के अंदर जो मैं आपको समझाऊंगी. सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड बेसिकली क्या है, दैट इज़ हंगर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज फॉर लाइफ. सो बेसिकली लाइफ में जीने के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे को खाना हो गया और पहनने को कपड़े हो गए, ठीक है, शेल्टर हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमारी आएंगी. ये ह्यूमन की जो ये बेसिक नीड्स हैं, इनको बेसिक नीड बोला जाएगा कि जो भी हमारी बेसिक नीड होती है एक ह्यूमन की रहने के लिए, वो अगर फुलफिल होगी तो वो नेक्स्ट पे जाएगा. दैट नेक्स्ट आती है सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड इज सिक्योरिटी ऑफ फंड्स, जॉब सिक्योरिटी, प्रोविजन फॉर द ओल्ड एज. जब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देती है कि वो सिक्योर हैं जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पेंशन प्लान्स हो गए. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑलमोस्ट सारी पेंशन प्लान्स देती हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उनका वो वर्क करता है, अच्छा काम करता है उनके लिए, अगर उसकी ये नीड जो है वो फुलफिल होती है. क्योंकि उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी वो काम कर रहा है तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी है, कि उसे पता है कि उसकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, वो सिक्योर है. जब उसकी ओल्ड एज आएगी तो उसे एक पेंशन मिलेगी, सोर्स ऑफ फंड होगा उसके पास, पैसे होंगे फाइनेंशियली. सो जब उसकी ये वाली नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है, सेफ्टी नीड, देन आता है उसकी सोशल नीड. सो सोशल नीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, बिकॉज बोला जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. सो उसकी जो भी इमोशनल नीड्स है, बिलोंगिंगनेस, कहीं से वो बिलोंग करता है, क्योंकि एक ह्यूमन है वो ये चाहता है, एक इंडिविजुअल, कि उसकी जो भी उसके लव्ड वन हो उसको कोई प्यार करे और वो किसी की केयर करे. सो ये हमारे ग्रुप्स हो, हमारे फ्रेंड्स हों जिनके साथ हम बैठ सकें, हम सोशली उनसे इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल नीड जब उनकी फुलफिल होती है, उसके बाद आती है इस्टीम नीड. सो इस्टीम नीड में क्या आता है कि प्रेस्टीज मिले, दैट स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल मिले. जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उससे जाना जाए, उस अकॉर्डिंगली उनका जो स्टेटस है वो रहे, उस अकॉर्डिंग उनको रिकोगनाइज किया जाए. सो हमारी इस्टीम नीड आती है जिसमें उनको जाना जाए बेसिकली. देन आती है लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, जिसमें मैन हैज़ अ डिज़ायर फॉर पर्सनल अचीवमेंट. सो पर्सनल अचीवमेंट उसकी जो भी वो करना चाहता है वो करता है, अपने पैशन को जो भी है वो फॉलो करता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और इस टाइम पे वो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग करता है. जो उसका मिशन था लाइफ में वो उस पर ध्यान देता है और उस अकॉर्डिंगली वो अपने जो भी अपनी डिज़ायर्स होती हैं उनको फॉलो करके वो कुछ अचीव करता है, दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इस टाइम पर इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता लाइफ का कोई भी चीज़ का, और अपने पैशन को बेसिकली फॉलो किया जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर. सो दीज आर दी 5 नीड्स जो कि हमारे अब्राहम मास्लो ने दी थी, जिसे बोला जाता है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. और आई होप आप लोगों को आज ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. एंड आप लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आप लोगों को बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.